हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफ़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का वाउचर है या गिफ्ट कार्ड है तो किस तरह से उसको अपनी शॉपिंग में रिडीम कर सकते हो, बिल में इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था कि SBI कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट से आप वाउचर्स को कैसे बाय कर सकते हो, तो वही वाउचर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप शॉपिंग में रिडीम करा सकते हो। तो अगर आपके पास भी फ्लिपकार्ट का वाउचर या गिफ्ट कार्ड है तो सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम इसको शॉपिंग में रिडीम करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड, फ्लिपकार्ट के ऐप को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे करते हैं हम शॉपिंग, और साथ के साथ जो वाउचर्स हमारे पास आया फ्लिपकार्ट का उसको करते हैं रिडीम। तो यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर लीजिए जो भी आप बाय करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं। जैसे ये फ्लिप्स का मुझे आयरन लेना है प्रेस, मैंने सेलेक्ट किया, तो ये वाला आयरन मैं ले लेता हूँ, ये आर्टिकल। तो जो भी अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा। तो जैसे ये है 613 रुपीज़ का, 613 रुपये का। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास 298 सुपर कॉइन है जो कि हमें फ्लिपकार्ट के थ्रू मिलता है रिवॉर्ड के रूप में। जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो रिवॉर्ड के रूप में हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं सुपर कॉइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे 62 सुपर कॉइन है जो कि मेरे इस अमाउंट में लेस हो जाएगा, मीन्स मेरे को ये 551 का पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं 62 कॉइन्स मेरे को मनी वैल्यू में कम हो जाएगा। और फ्रेंड, अगर आपको सुपर कॉइन के बारे में डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए ऑर्डर को हम प्लेस करते हैं, यहाँ से हम इसको करते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के बाद आपके पास पेमेंट मेथड आ जाएगा। यहाँ तो देखिए मेरा ऑलरेडी कार्ड सेव है, लेकिन हमें वाउचर से पेमेंट करनी है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे, दिखेगा आपको गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन। तो आपको गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, साइड में दिखेगा प्लस का आइकन, आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको गिफ्ट वाउचर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो कूपन नंबर आया होगा, वाउचर नंबर, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो पहले हम वाउचर नंबर एंटर कर लेते हैं, उसके बाद उसका पिन आया होगा आपके पास, वो पिन आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए, ये आप देख सकते हैं। तो वाउचर नंबर और पिन एंटर करने के बाद आपको नीचे दिखेगा अप्लाई का ऑप्शन, तो आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ से। तो जो 500 की वैल्यू है आपके टोटल अमाउंट से देखिए कम हो गया, पहले 551 था, अब ये 51 हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो प्रेस हमारा 613 रुपये का था, 62 रुपये का सुपर कॉइन इसमें एडजस्ट हो गया और 500 रुपये का हमने कूपन इसमें लेस कर लिया, तो ये पड़ा हमें 51 का। तो चलिए करते हैं इसको कंटिन्यू और ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो जो 51 रुपीज़ है, आप चाहे तो कार्ड पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, जैसे चाहे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कार्ड पेमेंट कर लेता हूँ, जो 51 रुपये जो बैलेंस रह गया है, ये मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब तो इसके बाद तो पता ही, आपको एक OTP आएगा, OTP आप सबमिट कर देंगे, तो जो 51 रुपीज़ का जो पेमेंट था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रेस मेरे को 613 रुपये का था वो मेरे को ओनली 51 रुपीज़ में आ गया, क्योंकि 62 रुपीज़ का सुपर कॉइन रिडीम हो गया और 500 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर हमने इसमें रिडीम करा लिया। तो ये देखिए ऑर्डर भी हमारा सक्सेसफुली प्लेस हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने फ्लिपकार्ट वाउचर का यूज़ कर सकते हो अपने बिलिंग में, शॉपिंग में परचेस कर सकते हो, जो भी बिलिंग अमाउंट होगा उसमें आपका ये अमाउंट लेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।